गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम टेकिंग दीज टू क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 6.3 और ये कंप्लीट हो जाएगा एक्सरसाइज। इक्वेशन टेंजेंट एंड नॉर्मल की मुझे फाइंड आउट करने का पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, हर एक बच्चे को पता है वाई स्क्वायर की कोई पैराबोला होगा बेटे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का, और ये पॉइंट मुझे ऑलरेडी गिवन है 80 स्क्वायर 280। इस पर मुझे एक तो टेंजेंट निकालना है, दिस इज़ माई टेंजेंट, एक मुझे नॉर्मल निकालना है, ये मेरा नॉर्मल है, दो चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले इसका ना डेरिवेटिव निकालो, स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए 2y पावर का, फिर y का dy by dx इज इक्वल टू 4a, और मुझे dy by dx निकालना है केवल, तो 2 2 4 बेटे, तो क्या आएगा ये 2a डिवाइड बाय y, क्या पॉइंट पुट करना है 80 स्क्वेयर 280, अब पुट कर दो बेटे 280, y की जगह 280, ये से कैंसिल होकर 1/t, ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, लिख लो यहाँ स्लोप ऑफ टेंजेंट है। अब मुझे निकालना स्लोप ऑफ नॉर्मल, नेगेटिव उल्टा कर दो, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ इट माइनस t आ गया, ये स्लोप ऑफ मेरे पास नॉर्मल भी आ गया बेटे, स्लोप ऑफ टेंजेंट भी आ गया। अब आउट राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या फार्मूला है, y माइनस वाई 1 280 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट 1/t, x माइनस का 80 स्क्वेयर, थोड़ा ज़्यादा करोगे वाई टी को यहाँ मल्टीप्लाई करो 280 स्क्वेयर हो गया, या एक्स माइनस में 80 स्क्वेयर, थोड़ा रीशफल करके आप अपने आप आंसर राइट कर लेना। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देखो बेटे क्या बनती है, वाई माइनस वाई 1 280 बन गया, इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस का टी है, एक्स माइनस का एक्स वन क्या है मेरे पास 80 स्क्वेयर, तो वाई माइनस 280 इज इक्वल टू माइनस एक्स टी बेटे, और प्लस 80 क्यूब, सबको यहाँ शिफ्ट करो, एक्स टी प्लस वाई और माइनस का 280 माइनस 80 क्यूब इज इक्वल टू 0, दैट्स माई आंसर। तो मैंने इक्वेशन टेंजेंट की भी राइट कर दी, नॉर्मल की भी, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाइपरबोला, कोई हाइपरबोला की शीट हर एक बच्चों को मालूम होनी चाहिए, ये होती है यहाँ पर मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ कहीं भी, तो अब कहता है इस पर टेंजेंट ड्रा करो और एक मुझे नॉर्मल चाहिए, एक टेंजेंट एक नॉर्मल। तो सबसे पहले ना बेटे स्लोप निकालो 1/a² एक्स स्क्वेयर का 2x, 1/b² आउटसाइड 2y into y1 इज इक्वल टू 0, इसको इधर शिफ्ट करो 2x/a² इज इक्वल टू 2y into y1/b², 2 से 2 कैंसिल कर दो बेटे, b² x a² y इज इक्वल टू y1, किस पॉइंट पे निकालना आई भी ये लिख दो, एक्स नॉट वाई नॉट पुट कर दो इसमें, तो b² x0/a² y0, ये मेरे पास है ना बेटे स्लोप ऑफ टेंजेंट बन गया। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए तुम्हें, स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए नेगेटिव उल्टा कर दो, a² y0 b² x0, मैं इक्वेशन टेंजेंट की राइट करूँगा, नॉर्मल की अपने आप लिखेंगे, तो वाई माइनस का वाई नॉट, ये रहा पॉइंट वाई माइनस वाई नॉट ये, और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या था b² x0/a² y0 और एक्स माइनस में एक्स नॉट, इसको एक्स नॉट बोलते हैं, जो नीचे नॉट बोलते हैं इसको। अब मैं देखो इसमें कैलकुलेशन बहुत आराम से करनी है, वाई नॉट को यहाँ मल्टीप्लाई करो y into y0, ध्यान से देखना, कई बार मुझे टेंजेंट की इक्वेशन याद करनी पड़ती है, और बी स्क्वेयर डिनोमीटर में लिया, ये बी स्क्वेयर है ना बेटे, ये डिनोमीटर में राइट कर दिया मैंने बी स्क्वेयर। अब x को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, एक्स एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट स्क्वेयर डिवाइड बाई ए स्क्वेयर, तो क्या बनेगा ये वाई वाई नॉट अपॉन बी स्क्वेयर माइनस वाई नॉट स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर, एक्स एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वेयर माइनस एक्स नॉट स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर। अब जो स्क्वेयर वाली टर्म इकट्ठी कर दो, अगर मैं इसको यहाँ शिफ्ट करूँगा तो एक्स नॉट स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर तो यहाँ आ गया बेटे, माइनस वाई नॉट स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर। अब जो प्रोडक्ट वाली टर्म है ना वो इकट्ठी करो, एक्स एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वेयर माइनस वाई वाई नॉट अपॉन बी स्क्वेयर। अब यहाँ एक स्टेप ध्यान से करना है, लिखोगे यहाँ लास्ट में यहाँ लिखता हूँ मैं, एज पॉइंट एक्स नॉट वाई वन नॉट बिलोंग्स टू करव वन, इसका नाम है ना बेटे करव, जो गिवन थी वन कर दो, तो देयर फॉर ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, एक्स नॉट स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस वाई नॉट स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 बन गया। तो आई एम एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस एक्स नॉट स्क्वेयर
अपॉन ए स्केयर वाई नॉट स्केयर अपॉन बी स्केयर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू मैंने वहाँ से कैलकुलेट कर ली। तो अब आंसर लिखूँगा मैं, आंसर क्या हो गया, पूछिएगा कोई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताओ हाइपरबोला की, तो ये याद कर लो बेटे, स्टैंडर्ड रिजल्ट बन गया इज इक्वल टू वन, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ। अगर मेरे पास इलिप्स होती तो बीच में प्लस आता, बस यहाँ पर केवल प्लस बन जाता। तो अगर कोई भी हाइपरबोला है और मैं टेंजेंट की इक्वेशन राइट करूँगा तो इट विल बी दिस वन, नॉर्मल होमवर्क होगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, बस केवल जहाँ पर तुमने स्लोप टेंजेंट का राइट किया है या स्लोप नॉर्मल का, दैट्स योर होमवर्क, यू हैव टू डन योर सेल्फ एट योर होम। इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मैन।